ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती की ओर, जहां पर अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय समन्वय समिति के कर्मचारियों ने किया दो दिवसीय प्रदर्शन। श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन, वापसी निजीकरण रोके जाने, महंगाई पर रोक लगने, ठेकेदारी संविदा वे मानदेय आधारित श्रमिकों को नियमित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय समन्वय समिति के दो दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल जनपद में सफल रही। दो दिवसीय हड़ताल था 28 तारीख और 29 तारीख को राष्ट्रव्यापी कल आज का ज्ञापन जो था हमारे द्वारा 4 श्रम कानूनों को 44 किसानों को सरकार 4 कोर्ट बिल में समाहित करना चाहती है। वो हमारा मांग है कि हमारे जो 44 श्रम कानून है उनको ऐसे ही रहा दिया जाए, 1976 में जो बने लागू किया जाए और 4 कोर्ट बिल को समाप्त किया जाए और हमारी मिनिमम वेज कम से कम 26,000 हो और दवाओं को GST से मुक्त किया जाए, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बंद किया जाए। हमारे जो और भी संगठन है उनके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट कंगना है आपको अभी आमन आमन प्रोग्राम के हैं। मैं कॉम्रेड वंदना चौधरी, हम लोग सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार जिस तरह से हर चीज़ को नीति से रद्द कर रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग पूंजीपतियों और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। 2 दिन से हड़ताल चल रहा है और हमारा हड़ताल सफल नहीं है। सर फिलहाल अध्यक्ष विदुत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ऐसा है कि भारत सरकार जो है एक तो पेंशन बंद कर दिया, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है, निजीकरण का विरोध है, सारे विभाग को जो है सारे सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में देना चाहती सरकार। इसके बाद विद्युत अधिनियम 2021 उसमें जो है लग जाएगा तो बिजली महंगी हो जाएगी, किसानों की खेती जो है महंगी बिजली से नहीं हो पाएगी, महंगाई जो बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया उससे भी कृषि पर असर पड़ेगा, खेती नहीं हो पाएगी। अभी जो है बिजली का मजदूरों और सबके जिंदगी से जो चुका है, जिस समय बिजली मजदूर हो बिजली महंगी हो जाएगी तो गरीबों के झोपड़ी में बिजली लाइट जलना बंद हो जाएगी। सरकार एक एक सांसद हो जाएंगे तब भी पेंशन लेंगे। ऐसा है कि 13 सूत्री मांग देश के सारे श्रमिक संगठन, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन सहित इकट्ठा होकर के 13 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें निजीकरण है, बिजली विधेयक है और जो समझौता हुआ था किसानों से, उस किसी बिल वाले मैं सकता हूँ उस समझौता को लागू कराने के लिए और उसमें सारे मुकदमे जो लगाए गए थे उनके खिलाफ में किसानों के ऊपर वापस लेने, मुआवजा देने और मंत्री के ऊपर जो एफआईआर हुआ उसके बेटे ऊपर को उद्घटन में गिरफ्तारी के साथ सजा दिलाने, न्यूनतम निर्धारित मूल्य का घोषित करने, ट्रेड यूनियन के जो